इंडिया वर्ल्ड 360 में आप सबका स्वागत है। एक एफएमसीजी सेक्टर का शेयर है जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए यदि आप स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। तो एक स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी है और आपको देखेंगे तो बहुत सारे ब्रांड हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं ये सारे ब्रांड मैं आपके सामने लेते जाऊँगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इन ब्रांड के प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है ना। फ्यूचर में आप समझें ये स्टॉक आपको मल्टी बिगर रिटर्न दे सकता है और अपने निवेशकों को इसने दिया ही है। आप देखिए सारे प्रोडक्ट जितने आप मार्केट में ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, इन सारे प्रोडक्ट को ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ऑर्डर लेके बनाता है। अब रहा सवाल, सारे प्रोडक्ट आप पहचान रहे होंगे, अब रहा सवाल कि इसका जो चार्ट पैटर्न आप देखेंगे अब ट्रेंड में है बिल्कुल, और ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए बेहतर होते हैं जिनका चार्ट पैटर्न बिल्कुल अप ट्रेंड होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ आप देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है, हर गिरावट में आपको लेते रहना है, लंबे समय का हो नजरिया बना के आप रखिएगा। देखिए सितंबर 2021 में इनका 466 करोड़ का सेल था, फिर 527, फिर 581, फिर 598, लगातार इनके सेल्स में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल रही, लगातार इनका सेल्स में ग्रोथ दिखाई दे रही है। साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26 करोड़, 29 करोड़, 30 करोड़, अभी 28 करोड़ का हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात की तो 10 करोड़, 12 करोड़, 12 करोड़, अभी 15 करोड़ का हो चुका है। तो कंपनी क्वार्टरली काफ़ी अच्छा कर रही है, साथ में ईयरली भी कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। मार्च 2020 में 772 करोड़ का सेल किया था कंपनी ने, इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट 55 करोड़ का हुआ था, नेट प्रॉफिट इनको 22 करोड़ का हुआ था। मार्च 2021 में इनका सेल्स जो है डबल हो गया, 1407 करोड़ का हो गया, और इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट 88 करोड़ का हुआ, नेट प्रॉफिट 37 करोड़ का हो गया। उसके बाद मार्च 2022 में 2040 करोड़ का इनका जो है सेल हो गया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 113 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 45 करोड़ का। तो कंपनी का यदि आप नज़रिया दी आपका लंबा है तो कंपनी आपको बड़ा पैसा बना के दे सकती है। अब देखेंगे यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़, देखिए स्टॉक प्राइस ये जब किसी निवेशक ने यदि 10 साल पहले इस स्टॉक को लेके बैठा होगा तो उसको 84% के CAGR से पैसा ग्रोथ हो रहा है। अब आप सोच लीजिए सिर्फ आप 10,000 रुपये लगाइएगा और 84% के CAGR से 10 सालों का आप निकाल लीजिएगा, ज़बरदस्त पैसा बनेगा यहाँ पर 10,000 का इन्वेस्टमेंट ही। तो इस स्टॉक को लंबे समय के लिए रखा जा सकता है। देखिए बैलेंस शीट की बात किया जाए तो कंपनी का जो रिजर्व है 281 करोड़ का है, साथ में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे बोरोइंग छोटा सा 351 करोड़ का है कंपनी का। उसके साथ में यदि आप देखें डेप्टर डेज मात्र 13 दिनों का है और शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास में लगभग 64-65% के आसपास होल्डिंग है, फाइज के पास 6%, DIs के पास लगभग 6.5%, की पब्लिक के पास लगभग 22% की होल्डिंग। तो ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का। जब BSE NSE दोनों पर लिस्टेड, मार्केट का 5,214 करोड़ का है, करंट प्राइस 462 रुपये पे है, हाईस का 569 का था, लो 325 का है। स्टॉक पी थोड़ा सा महंगा है, 106 का है, बुक वैल्यू 26.9 का है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात किया 16.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16 का है, फेस वैल्यू इसका 2 है। हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड इस कंपनी का नाम है और आपको बता दें कि हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड इज इंडिया बेस्ड कंपनी विच इज एंगेज इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, समझ रहे हैं ना, ज़बरदस्त कंपनी है, ये आपके पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है और यदि आप लेते हैं तो अपना रिस्क रिवार्ड देखते हुए ही लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं। और ऐसे ही बेहतर इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।